ये जो जंगल आप घना जंगल देख रहे हैं, ये रांची से करीबन 35-40 किलोमीटर दूर है। हुरिंगदाग एक जगह है रांची खूंटी रोड में, 10th माइल से वो अंदर जाता है। और ये काफ़ी जो आप घना जंगल देख रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी घना है। ये झिंगुर की आवाज़ आ रही है, कहीं कहीं चिड़ियों की आवाज़ है, आप देख रहे होंगे। मैं इसलिए आपको दिखाता हूँ कि जंगल कितना ज़रूरी है हमारे लिए। जंगल है तो हम हैं, जंगल को बचाना कितना ज़रूरी है। और ये जो ऑक्सीजन देता है, जो कि हमारे लिए प्राणवायु है, ये जंगल ही है, जंगल को रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये जो आप देख रहे हैं हुरिंगदाग का जंगल है, और भी आगे मैं आपको दिखाऊंगा। ये कुछ स्टिल फोटोग्राफ्स है, ये नदी का आप देख रहे होंगे, और जंगल के बीच में ये पहाड़ी नदी है, बिल्कुल साफ सुथरी है। ये जंगल के बीच ही किसाई नदियां हैं, जंगल ही नदी को बचाते हैं, ये जंगल के बीच जाने का रास्ता है। और घने जंगल हैं, आप देख सकते होंगे यहां पर, आगे वीडियो भी आप ये जंगल के बीच हम जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे थोड़ा बहुत रास्ता गांव वालों ने बना रखा है, जो जंगल में आते हैं, जंगल पर निर्भर हैं, यहाँ की लकड़ियों को काटते हैं, खेती भी करते हैं। अगर आप देख रहे होंगे यहाँ खेती भी होती है, अभी सब धान कट चुका है। झिंगुर की आवाज़, दूर में कोई चिड़िया की आवाज़ आ रही है, चिड़ियों की सन्नाटा। ये सुकून आपको शहर में तो नहीं मिलेगा, इतना सन्नाटा, शांति। मैं और जंगल के भीतर जा रहा हूं। ये नीचे मैं नदी की तरफ जा रहा हूँ, छोटी सी पहाड़ी नदी है, यहाँ नाम तो नहीं पता, लेकिन काफ़ी साफ पानी है। और आपको मैं उधर ही ले चल रहा हूँ, छोटा सा घाटी जैसा है, और नदी है, पहाड़ी साफ सुथरी नदी है। यही जंगल की खूबसूरती है झारखंड की, रांची के आसपास की, कि जहाँ आप आके जंगल वॉक चाहे इस तरह का आप आनंद ले सकते हैं, शांति के साथ आप यहाँ के नज़ारों को आप निहार सकते हैं, पेड़ पौधे, पक्षियों को। ऐसा फिर नदी आपको दिख रही होगी, मैं आपको नज़दीक से ले जाकर नदी को दिखाता हूँ। ये गांव का कुत्ता जो आपको सामने दिख रहा है, और ये एक नदी है, साफ है, पहाड़ी नदी है, आप देख रहे होंगे। चट्टान सब भी हैं, काफ़ी पुराने चट्टान हैं, यहाँ के करोड़ों साल पुराने चट्टान हैं। नदी बीच से आ रही है पानी, अभी भी है, जब बारिश एक दो महीना से नहीं हुआ है, लेकिन नदी में पानी अभी भी है। ये है हुरिंगदाग का जंगल। नए बहुत सारे जगह हैं रांची के आसपास जो कि अभी भी अनएक्सप्लोर्ड हैं, लोग बहुत कम आते हैं, जानकारी भी नहीं है। तो मुझे ज़रूर उम्मीद होगी कि ये सब जगहों को देख के आपको भी अच्छा लगा होगा। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।